हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिल्ली रेस्टोरेंट स्टाइल। खाने में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने लेना है बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन का यूज़ किया है। उसमें डालेंगे एक अंडा और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। फिर डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है और 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है। उसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हमें। अब इसको हमें फ्राई करके लेना है। यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन ली हूँ, इसके अंदर ऑयल डालकर हमें शैलो फ्राई करके लेंगे इसको। हमें ये 80-90% कुक होने तक हमें इसको फ्राई करके लेना है। देख सकते हैं गोल्डन कलर चाहिए हमें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमने पूरी चिकन को फ्राई करके ले लिया। यहाँ पर कुछ हमने वेजेस निकाले हैं, 1 टीस्पून गार्लिक है, 1 टीस्पून जिंजर है हम, और यहाँ पर शिमला मिर्च लिए हमने, कैरेट लिया है और प्याज लिया है। इस तरह से हमने कट करके लेना है। और यहाँ पर हमने 4 हरी मिर्च लिए, इसको लंबा कट करके लिए हैं। एक पैन में हमने 2 टीस्पून ऑयल लिया है, इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। इसको हल्का भूनेंगे। उसी के साथ में डालेंगे हमने वेजेस जो कट करके रखे हुए हैं वो डालेंगे। अच्छे से 5 मिनट इसको सॉटे करेंगे। अब डालेंगे टोमेटो सॉस और चिल्ली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। उसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून सोया सॉस। अच्छे से भून लेना है 1-2 मिनट तक। अब डालेंगे यहाँ पर सेजवान चटनी 1 टीस्पून। थोड़ा हल्का सा हमें शक्कर डालना है इसके अंदर, ये ऑप्शनल है। अब डालेंगे मिर्ची, अच्छे से भून लेना है। अब डालेंगे यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये कलर के लिए है सिर्फ। अब इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून, हमें कॉर्नफ्लोर का एक घोल बनाया था वो घोल डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे टोमेटो, हॉट एंड चिल्ली सॉस है ये, 1 टीस्पून है, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें तेल का बहुत कम इस्तेमाल किया है। अब डालेंगे हमने जो फ्राई किए हुए चिकन, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम 5 मिनट दम पे रख देंगे। इसी के साथ बाद डालेंगे 1 टीस्पून हम तिल, सफ़ेद तिल, और गार्निश के लिए हम डालेंगे धनिया। देख सकते हैं हमारा ये चिकन चिल्ली बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।